Hello students, I am Rekha Rajput. Today I am here with a new topic of articles. Today we will study about articles. There are three articles, a, an, and the. There are three articles. These we can divide into two parts. इनको बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट में आता है the article, the. यदि ये वोवल से पहले आए तो इसकी साउंड होती है दी, और यदि ये वोवल से पहले नहीं आए, कॉन्सोनेंट से पहले, नॉर्मल वे में बोलते हैं इसको द. द द आर्टिकल एंड ए एंड एन इज आर ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. क्यों है? क्योंकि ये इन दोनों का मतलब होता है कोई भी एक. कोई भी एक, तो कोई भी एक के बारे में बात कर रहे हैं. कोई निश्चित नहीं है, कोई एक लड़का, कोई एक बॉय, ऐसे. तो कोई एक लड़का, एक कोई भी एक चीज़ है जो उसके बारे में. इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट नहीं है. और द उसके लिए यूज होता है जो डेफिनेट होती है. जैसे आई न्यू द गर्ल दैट गोट द फर्स्ट पोजिशन. द तो जो जिसने विशेष कोई मतलब द परिचित है जो चीज़, जिस चीज़ से, उसके लिए हम करेंगे यूज द. तो अब इनमें इनका यूज का तरीका देखो बेटा. इनका यूज का तरीका ए और एन. पहले हम ए और एन के यूज करने का तरीका देखेंगे, उसके बाद दा करेंगे. पहले इन दोनों में से कंफ्यूज होते हैं किसके साथ कौन सा है, उसको देखते हैं. द यूज ऑफ ए एंड एन, इनका यूज कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो देयर आर फाइव वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में पांच वोवल्स होते हैं. कौन कौन से फाइव वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर फाइव वोवल्स. एंड कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ए वोवल है तो इसके बाद में क्या आएगा? बी. बी हमारा कॉन्सोनेंट. फिर सी, फिर डी, फिर ई. ई किस में गया? वोवल में. तो इसको छोड़ दो, वोवल में गया. तो एफ, जी, एच, ऐसे करके हमारे फाइव तो वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट. तो अब ए और एन का यूज करने के लिए क्या जरूरी है कि वोवल और कॉन्सोनेंट, इनकी साउंड इंपॉर्टेंट है, ना कि ये. वैसे कॉन्सोनेंट वोवल साउंड से जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले लगता है एन. क्या लगता है उससे पहले? एन. और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे लगता है ए. क्या लगता है बच्चों? ए. तो अब देखिए, एग्जांपल देखिए. जैसे अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे कैट. कैट, कैट से पहले क्या लगाऊ, ए या एन? क्या लगाऊ? ए. डेफिनेटली ए, बिकॉज दिस इज नॉट वोवल. ये वोवल नहीं है तो इससे पहले लगाएंगे हम ए. अच्छा, बर्ड, बर्ड से पहले क्या लगाऊ? ए. अच्छा, बॉय, बॉय से पहले क्या लगेगा? ए. अब ये क्योंकि ये साउंड किसकी दे रहे हैं? ये फर्स्ट ये दे रहे हैं साउंड कॉन्सोनेंट की. कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं तो इनसे पहले लगेगा ए. लेकिन यदि ये वोवल की साउंड ये वाला वर्ड हो तो उससे पहले लगेगा एन. क्या? जैसे ओ डब्ल्यू एल, आउ, एन आउ, ए एन टी, एंट, एन एंट, आई एन के, इंक पॉट, एन इंक पॉट, A E I O U, जैसे E से एलिफेंट, N. तो अब A और N, ये तो सिंपल थे, इतना तो हो गया. इसको तो हम कर लेते हैं बच्चे, इसको तो बच्चे कर लेते हैं. लेकिन बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं अब उसको देखिए.
अब एक वर्ड है ई यू आर ओ, शुरू किससे हो रहा है ये ई से, लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है यूरो, हिंदी में लिख के देख लो इसको क्या दे रहा है, ये तो ये की साउंड, यदि ये यू यू भी देता है ये की साउंड, लेकिन जब ये ए की साउंड देता है ए की साउंड तब लगेगा एन, तब लगेगा एन, क्योंकि ए वोवल्स में होते हैं, वोवल्स मतलब स्वर, हिंदी में भी देख लो ए आ ई ई ये स्वर होते हैं, तो ये वोवल्स इसमें साउंड दे रहा है तो ये आएगा एन, लेकिन यदि ये यू ये की साउंड दे रहा है तो ये आपको पता है किसमें कॉन्सोनेंट में होता है ये की साउंड, वो व्यंजन, हिंदी का व्यंजन होता है वो ये व्यंजन में होता है ना कि इसकी साउंड स्वर में वोवल्स में, तो इससे पहले लगेगा ए। अभी इसी के ऊपर ये वर्ड देखो, अब इससे पहले यह वर्ड है तो इससे पहले ए एन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ए। दूसरा वर्ड देखो यूनिवर्सिटी, अब इससे पहले क्या लगाऊं ए या एन, कंफ्यूज नहीं होना है इसको वॉल देख के, एन नहीं करना है, यहाँ लगेगा ए। अभी इससे और वर्ड देखो वन आई, वन आई यहाँ पे वे हिंदी में लिखते देखो क्या साउंड बोलते क्या है हम इसको वन, तो वह वन बोलते हैं तो वह की साउंड वह व्यंजन है कॉन्सोनेंट है नॉट वॉवल, तो यहाँ पे आएगा ए वन आएगा। अच्छा ऐसे ही कुछ ऐसे भी वर्ड है जो दिखते तो है ये कॉन्सोनेंट से लेकिन वॉवल की साउंड देते हैं वो, तो उनसे उनके लिए क्या करेंगे हम, उनमें भी ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल एम बी ए, एम बी ए तो एम बी ए ये वर्ड है तो इसको लिखेंगे जब हम क्या बोलते हैं, आप बोल के देखो इसको एम बी ए यही बोलते हैं ना एम बी ए, तो ए ए ए मीन्स हमारा वोवल से शुरू है तो एन, वोवल से शुरू होते ही हम लगाएंगे एन। अच्छा इसी में ही एक और वर्ड है जैसे एम एल ए, एम एल ए एम एल ए एन, अभी वर्ड लिखती हूँ मैंगो, इसमें क्या लगेगा बताओ, अभी ये मैं ऐसे याद कर लेते हैं बच्चे वो गलत तरीका होता है, अब इसको साउंड को देखना इम्पोर्टेंट होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है एम मै मैंगो, देखो कहीं ये ए से शुरू हो रहा है इसमें और इसमें देखो, क्योंकि ये अलग अलग है तो एम बोलते हैं और बोला जाता है डी और ये एक साथ मैंगो, तो यहाँ पे आएगा बेटा ए, क्या आएगा यहाँ पे ए, ऐसे ही एर, इसको एर बोलते हैं एच साइलेंट होता है तो एन एर, क्योंकि एर एर साउंड इम्पोर्टेंट है ना कि वर्ड। अब इजी भी एक वर्ड ये देखो क्या बोलेंगे इसको, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड तो ये था ए और एन का यूज, आई थिंक ये कुछ क्लियर हुआ होगा और एग्जांपल आप लोग इसके ऐसे प्रैक्टिस। जस्ट नाउ वी लर्न आर्टिकल्स, अभी हमने आर्टिकल्स को पढ़ा है, अब हम एक छोटा सा क्विक टेस्ट है, अब देखती हूँ आपने कितना सीखा है। ओके लेट्स स्टार्ट, यू बोथ ए एंड एन, इन दोनों में से यूज करना है आपको ए एंड एन, जो हमने सीखा है उसी में से, तो इसमें क्या आएगा ए या एन, क्या ए, जल्दी जल्दी सोच के बताओ, बर्ड, अब मैं बोलूंगी नहीं प्रोनाउंसिएशन ही आ जाएगी तो फिर आपको पता ही चल जाएगा, इसमें क्या आएगा ए, थिंक थिंक क्विकली, यस ए वन वन आइड वे वन वन एग एन वॉवल साउंड आई ए एस ए या एन इट्स एन बी एस सी, यू विल कंफ्यूज इन दिस वर्ड मैनी ऑफ यू विल राइट एन, बहुत सारे आप में से उनको देख के वो शॉर्ट फॉर्म जो मैंने बताई थी तो उसको एन करेंगे नहीं, ये बी बी एस सी बी एस सी बी बे साउंड कॉन्सोनेंट की है तो ए लाइक दिस ए पी ए पी ए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट देन
ए. कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या आएगा? ए. वोवल साउंड है तो आएगा एन. ये बात याद रखना. ओके. एल. एल सेफ्ट. एल सेफ्ट एन. हनी कॉम्ब. ए. एर. एन. हैबिचुअल. ए. डजन. ए. एंड दिस वन. दिस वन. यस, चेक योर माइंड इन दिस वन व्हाट विल यू यूज. इसमें क्या आएगा? इसकी प्रोनंसिएशन देखो पहले. इसको यू ये ए ऐसे ऐसे नहीं है. इसकी यू से है. यू यू जपा बिल्कुल आर लास्ट में होता है या कई बार आर बीच में होता है. इसको बिल्कुल ए जैसी साउंड होती है. यू जपर नहीं, यू जपर. यू जपर ऐसे साउंड होती है. बिल्कुल छोटा सा रे साउंड होती है. यहाँ पे आएगा ए. दिस इज नाउ वी हैव कम्प्लीटेड आवर आर्टिकल्स. द यूज ऑफ ए एंड एन. द यूज ऑफ दी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, थैंक यू.